हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं वही बैठ के देखते हैं, क्योंकि उन्होंने 21 तारीख का टाइम दिया था, वो भी उन्होंने ही दिया था, और अभी वो जो भी फैसला लेंगे फिर हम उसके ऊपर एग्री रहेंगे और प्रोटेस्ट तो चलता रहेगा जब तक जो हम बोल रहे हैं कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करना चाहिए, रेसलिंग हमारी सेफ होनी चाहिए, बच्चों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, तो ये लड़ाई तो जब तक चलती रहेगी जब तक ये चीजें हो नहीं जाती। वो बाहर रह रहे हैं तो जिन लड़कियों ने कंप्लेन दिया है उनकी लाइफ को भी खतरा है, ऐसे आदमी का बाहर रहना मतलब कि उन लड़कियों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करने वाला बात हो रहा है, और ऐसे आदमी को बाहर रह के हम घर पे बैठ जाएंगे आराम से तो वो भी तो मुमकिन नहीं है, किसी के साथ में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि इतना पैसा है वो किसी को पैसा दे के किसी के साथ में कुछ भी घटना करवा सकता है, तो डेफिनेटली उसको तो अंदर जाके और इंटरोगेशन है, वो बाहर रहेगा तो पावर का यूज करेगा और इन्फ्लुएंस करेगा हर किसी को, पुलिस को भी इन्फ्लुएंस करेगा वो पूरा अपनी ताकत लगा के, तो वो जब तक वो अपनी सारी चीजों से वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो गए फिर जेल में जाके और फिर इंटरोगेशन होगा तो उसका जो एक इम्पैक्ट है वो न्यूट्रल आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा कि पावर का यूज उनका हुआ है।